हाय नमस्कार दोस्तों, दीवान गारमेंट में एक बार आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं दिनेश आज आपको घुमाने लेके चल रहा हूं केवड़िया। ये मेरा टूरिस्ट का घूमने का ये मेरा पहला वीडियो। आप केवड़िया में क्या देखेंगे? स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, फेमस जगह, बच्चों के लिए एकदम बढ़िया देखने की चीज। तो दोस्तों देखिए मेरे साथ, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन दोस्तों आपको पूरा स्टेचू ऑफ यूनिटी, वहाँ का घूमने का जितनी भी जगह हैं पूरा घुमाऊंगा, पूरा लेके चलूंगा, ट्रेन से लेके बस तक का सफ़र और उसके बाद वहाँ का फेयर, वहाँ का टिकट और कैसे जाना है, क्या देखना है, कैसे घूमना है, पूरा डिटेल दे रहा हूँ अपने इस वीडियो में। और दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो गुजरात में दूसरी जगह आपको बच्चों के साथ कहाँ घूमना है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो दोस्तों देखिए ये मेरी लेटेस्ट वीडियो। हाय दोस्तों, वेलकम टू एकता नगर। ये देखो एकता नगर का स्टेशन गुजरात। गाड़ी आई है 12927। खूबसूरत स्टेशन, साफ सफाई। ये है स्टेशन का बाहर का नज़ारा। यहाँ ऐसी बस लगी हुई है पूरी स्टेचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। बस इतना सारे फ्री सेवा और ऐसी बस स्टेशन से, ये एकता नगर स्टेशन से हमको छोड़ेगी स्टेचू ऑफ यूनिटी की सेवा ऐसी बस। तो यहाँ से फिर से देखिए कितनी धब्बे लग रही है, कितनी ऊंची ऊंची लग रही है। बस से ही ऐसा लग रहा है, छोटे छोटे बना हुए। देखो नदी के बीच में ही बना हुआ है। ये है टिकट, टिकट घर जहाँ से टिकट मिल रहा है। ये लाइन लगी हुई है, टिकट घर यहाँ से टिकट के लिए मिलता है, यूटी के लिए देखने के लिए। और ये देखिए दिख रहा है स्टेचू ऑफ यूनिटी लाइन के बाहर से, लाइन लगा हुआ है। पब्लिक अच्छी खासी है, दिन के 11 बज रहे हैं, 9 बजे आए थे। लाइन लाइन बस अभी भी स्टेशन से यहाँ तक ड्रॉप कर रही है और जो देख चुके हैं उनको लेके जा रही है। देखो अंदर आ गए हैं अभी हम लोग, टिकट दिखा के नहीं हो। ये देखो टिकट से अंदर आ गए हम लोग आप यूटी का। देखिए सब एक दूसरे के साथ में है।
ये देखिए इतना घुसने के बाद आ गए स्टेचुआ तुलसी के नजदीक। बच्चे भी हैं आ गए हैं और तस्वीर नजारा स्टेचुआ तुलसी मस्त बांध के नीचे बना हुआ है, बांध के बीचों बीच बना हुआ है स्टेचुआ तुलसी। अरे देखिए देखो पूरा बांध है इसके नीचे बना हुआ है, इसके अंदर बना हुआ नदी के अंदर है स्टेचुआ तुलसी। स्टेचुआ नदी के उस पार लिखा हुआ है, नदी के उस पार लिखा है स्टेचुआ तुलसी। अरे देखिए खूबसूरत नज़ारा, अभी इसके नज़दीक लेके जाऊंगा, बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा मैं। दिलीप का मजा लेते हुए दिलीप में जा रहा है सर, मुझे लग रहा है यही दीवार कह रही है ये जमीन। हां मेरे को सुरंगा मस्त स्टेचू ऑफ यूनिटी के नजदीक जाने के लिए स्वचालित सीढ़ी आराम से प्लीज मेरे को पेड़ के। अब ये देखो स्टेचू के बिल्कुल नजदीक, यहाँ तक या तो हम सर का फोटो ले सकते हैं या तो सिर का ले सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा है कि मोबाइल में आ ही नहीं पाएगा। और यहाँ देखो सीढ़ियाँ जो पैर तक देखने जाते हैं, पैर के पास तक हम देख सकते हैं, वहाँ फोटो नहीं आएगा। इधर पानी पूरी देखिए स्टेचू ऑफ यूनिटी का पूरा नज़ारा, बच्चे फोटो लेते हुए दूसरे को पोज देते हुए। और ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पैर से लेके ये देखो ये इतना ऊपर तक, और यहाँ का नज़ारा देखिए ड्रिंकिंग वाटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आजू बाजू लगी हुई सीढ़िया है, अरे चलते मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, ऊपर जाते जाने के लिए चालीस सीढ़ियाँ लगी हुई है, लिफ्ट लगा हुआ है उतरने का अलग और चढ़ने का। ये देखो स्टेचू ऑफ यूनिटी बिल्कुल नजदीक से, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास जाने का लैडर स्वचालित लैडर सबसे ऊपर उनके पास तक, उनके बिल्कुल करीब तक ये है सीढ़ी, लिफ्ट लिफ्ट स्वचालित है, जो आप उनके नज़दीक जाने का देखिए व्यवस्था बहुत बढ़िया है, आने जाने का स्टेचू ऑफ यूनिटी का, उधर से उतरने का है, इधर से जाने का है। ये देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, यहाँ ऊपर का यहाँ से देखिए स्टेचू ऑफ यूनिटी के हम पैर के बिल्कुल नज़दीक है, ये वल्लभ भाई पटेल का पैर है उसके बिल्कुल नज़दीक है। और वहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं, देखो फिर अंदर पैर तक जाने के लिए रास्ता है। ये देखो ये लाइटर है, दूसरा लाइटर है, सीढ़ी जाने के लिए है, सीढ़ी जा सकते हैं, ये तो लाइटर लगा हुआ है लिफ्ट में। ये उनका पैर, पैर के देखिए धागे हैं, ये सिलाई है, जो पैर है उनका सैंडल है सैंडल है उनका, और दोनों पैरों के बीच में है, दोनों का पैरों का बीच का है ये उनकी चप्पल। देखिए चप्पल के धागे दिखा रहा हूँ आपको, चप्पल के धागे है ये देखिए, चप्पल के धागे हैं उनके इतने मोटे मोटे,
ये पैर उनके टांगों के बीच में है, एकदम बीचों बीच। देखिए उनके पैर के ठीक नीचे का बना हुआ है हाल। और अभी एक सीढ़ी और है लास्ट चढ़ने तक, उसके बाद एक पैर पैर तक और ये लास्ट सीढ़ी चल के ऊपर देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ का नीचे का नजारा दिखा दिया आप लोगों को। ये है लास्ट सीढ़ी, लास्ट लिफ्ट है ऊपर तक जाने का वल्लभ भाई पटेल के पास तक। और ये देखिए क्या दिख रहा है, क्या नजारा है वल्लभ भाई पटेल का, पैर तक का नजदीक का। और यहाँ से तो खाली उनके पैर ही दिख रहे हैं, ये देखो उनके खाली पैर ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ओके इसके ऊपर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो नीचे म्यूजियम बना हुआ है जिसमें वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी मूर्ति बनी हुई है, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। वल्लभ भाई पटेल की जीवनी बताई गई है। स्टेचू आप मूर्ति से लगभग 500 मीटर की दूरी पे जंगल सफारी के टिकट घर आप आराम से पैदल भी आ सकते हैं, नहीं तो वहाँ से फ्री बसे स्टेचू आप मूर्ति से आप यहाँ आराम से आ सकते हैं।